हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट फाइव है। इससे पहले के चार पार्ट्स में हम 100 वर्ड्स को कवर कर चुके हैं, ठीक है। उससे आगे आज शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी हुई ये कि एडिशनल वर्ड्स को नोट डाउन करने के लिए आपको नोटबुक और पेन साथ में लेके चलना है। ये आपको हेल्प करेगा पूरी क्लास में कि आप अटेंटिव रहेंगे। क्या आप तैयार हैं? शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 101, हॉर्सेस की साउंड को क्या कहा जाता है? किसको? हॉर्सेस की साउंड को इसको कहा जाता है ने। क्या कहा जाता है? ने। प्रोनंसिएशन में भी आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो इसका प्रोनंसिएशन क्या होता है? ने। ठीक। अब यानी हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो साउंड हॉर्सेस निकालते हैं उसको ने बोला जाता है। पहला ऑप्शन हमारा ग्रंट। ग्रंट इसको बोला जाता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक्चुअल में किसी चीज को पसंद नहीं कर रहे होते हैं या इंटरेस्टेड नहीं होते आपसे बात करने में, तो वो मन ही मन कुछ बोलते हैं, ठीक है ना, बड़बड़ाना या बुदबुदाना, जो भी आप समझो उसको बोलते हैं ग्रंट। समझ आए? ठीक। स्क्रीच, जैसे ट्रेन वगैरह जो आवाज करती है उसको बोलेंगे स्क्रीच। ठीक। स्क्वीक, ठीक है ना। स्क्वीक जो होता है माउसेस की आवाज होती है, जैसे चूहे जो आवाज निकालते हैं ना उसको बोलेंगे मतलब स्क्वीक। समझ आए? तो 101 साउंड ऑफ हॉर्सेस उसको बोला जाएगा ने, यानी हिन हिनाना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। समझ आए? 101 का फोर्थ। 102, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड्स, ठीक है ना। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो क्या करती है, प्रॉपर्टीज को बताती है साउंड की, यानी साउंड की विशेषताएं बताती है, तो उसको बोला जाता है हमारा थर्ड ऑप्शन जिसको बोला जाएगा एकोस्टिक्स। क्या बोला जाता है? एकोस्टिक, ठीक है ना। अच्छा, अब एकोस्टिक हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और को भी समझ लेते हैं, जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स जिसको यांत्रिकी बोला जाता है, इसी से हमारी एक मैकेनिकल ब्रांच बनती है इंजीनियरिंग में, ठीक है ना। मैकेनिक्स बेसिकली किससे रिलेटेड होगा? मशीन से रिलेटेड होगा, सिंपल, ठीक हो गया। सेकंड ऑप्शन हमारा होगा रेडिएशन। रेडिएशन किससे रिलेटेड होगा? स्कैटरिंग, यानी जो भी हीट या लाइट प्रोड्यूस होती है उसको बोलेंगे रेडिएशन। थर्ड ऑप्शन है ऑडिशन। ऑडिशन किसको बोलते हैं? कोई मूवी है, कोई प्ले है, ठीक है ना, उसके लिए कोई शॉर्ट परफॉर्मेंस देना ताकि आपका सिलेक्शन उसके लिए हो पाए, तो आप क्या दोगे उसके लिए? ऑडिशन दोगे। तो यहाँ पे 102 का थर्ड ऑप्शन सही है, जिसको बोलते हैं एकोस्टिक्स। एकोस्टिक्स का मतलब होता है फिजिक्स की ऐसी ब्रांच, ठीक है ना, किसकी? फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है, किसके? साउंड के बारे में बताती है ना, तो उसको बोलेंगे एकोस्टिक्स। समझ आया? पक्का 102 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 103, एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, ठीक है, और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, यानी जिस क्रम में हमारे इवेंट्स हुए हैं या डेट्स हैं उनको अरेंज करना। जैसे पहले अगर जनवरी में कोई इवेंट हुआ तो वो पहले आएगा, फरवरी वाला बाद में आएगा, ऐसे कुछ, तो उसको बोला जाता है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको बोला जाता है क्रोनोलॉजी। क्या बोला जाता है? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी यानी घटनाओं को जिस क्रम में वो घटित हुए हैं वैसे अरेंज करना, उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजी। समझ आया? ठीक। हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है क्रोनोमेट्री। क्रोनोमेट्री पता है किसको बोला जाता है? द साइंस ऑफ एक्यूरेट टाइम मैनेजमेंट मेजरमेंट, ठीक है ना, ऐसा साइंस जो टाइम मेजरमेंट करता है और एक्यूरेसी के साथ, उसको बोला जाता है क्रोनोमेट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं चार्टर। चार्टर एक्ट भी पास हुआ था ना, तो उसको बोला जाता है रिटर्न स्टेटमेंट, जो आपके राइट्स के बारे में, आपके बिलीफ के बारे में बताता है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, किसके बारे में? देखो, चार्टर एक्ट अंग्रेजों ने पास किया था, तो वो क्या बता रहा था? उसके राइट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या पर्पस उसका है, ठीक है। अच्छा, और कैलेंडर आपको पता है, डेट्स वगैरह जिसमें मेंशन होती है। तो यहाँ पर जिस क्रम में घटनाएं हो रही हैं उस क्रम में उसको अरेंज करना, उसको बोला जाता है क्रोनोलॉजी। एक मीम्स में बहुत ज्यादा वायरल होता है क्रोनोलॉजी, समझ रहे हो? तो उस क्रोनोलॉजी का मतलब है कि इवेंट्स जिस क्रम में हुए उनको वैसे ही अरेंज करना, ठीक है। 103 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 104, अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, यानी सभी समस्याओं और रोगों के लिए एक ही उपचार, इसको बोला जाता है फोर्थ ऑप्शन, जिसको बोला जाता है पैनिसिया। क्या बोला जाता है? फोर्थ ऑप्शन जिसको बोला जाता है पैनिसिया। पैनिसिया का मतलब हिंदी में होता है राम बाण। जैसे बोलते हैं ना, ये इस पर्टिकुलर रोग का, पर्टिकुलर बीमारी का क्या है? राम बाण इलाज है, यानी इसके मतलब सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर कर देगा, ठीक हो गया। और पहला ऑप्शन है मेडिकेशन। देखो, मेडिकेशन किसके बोलते हैं? मेडिसिन जो भी आपको डॉक्टर देते हैं उसको मेडिकेशन बोलते हैं। क्या बोला मैंने? जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन देगा उसको मेडिकेशन बोलेंगे। जैसे आप कोई दवाई ले रहे नहीं ले रहे, तो उसको आप कैसे बोलोगे? तो उसको बोलोगे, हाँ भाई मेडिकेशन कैसी चल रही है? मेडिकेशन का मतलब है मेडिसिन ले रहे कि नहीं प्रॉपर, ठीक। अच्छा, अगला है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट का मतलब इलाज होता है, ठीक। अगला है रेमेडी। रेमेडी पता है क्या होता है? उपचार होता है, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पर था पैनिसिया। पैनिसिया का मतलब था रामबाण, यानी सारी समस्याओं या रोगों के लिए एक ही उपचार, उसको बोला जाता है पैनिसिया। समझ आया? 104 का फोर्थ ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 105, वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन अ डांस, कि बेसिकली जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, डांस में कौन कौन से स्टेप्स होंगे या कौन कौन से मूव्स होंगे, उनको अरेंज करता है, उसको पता है क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है कोरियोग्राफर। क्या बोला जाता है? कोरियोग्राफर, जैसे रामो डिसूजा है, ठीक है ना। अच्छा, तो वो क्या है? कोरियोग्राफर है बेसिकली। अगला होता है, अगला ये देखो, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को बोला जाता है क्या? निर्माता, ठीक है। डायरेक्टर, किसी फिल्म का डायरेक्टर है, निर्देशक है वो। और कंपोजर कौन होता है? कंपोजर बेसिकली म्यूजिक से रिलेटेड होता है, जो संगीत को कंपोज करता है। संगीत का जो रचनाकार है वो क्या है? कंपोजर है। जैसे प्रीतम है, वो क्या है? म्यूजिक बनाते हैं, तो वो कंपोजर है सिंपल, ठीक है। कोरियोग्राफर से किसको याद रखोगे? रेमो डिसूजा से। कंपोजर से याद रखना प्रीतम, राइट। या और भी किसी का आपको पता हो तो याद कर सकते हो। तो 104, 105 का सेकंड ऑप्शन सही है, कोरियोग्राफर, यानी जो डांस के स्टेप्स और मूव्स सिखाता है, ठीक है। अच्छा, 105, 106, अ सॉन्ग संग एट अ बुरियल, ठीक है। बुरियल का मतलब होता है जहां पर किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उसको बोला जाता है। देखो क्या पहला ऑप्शन सही है, जिसको बोला जाता है डज। इसको डिर्ज नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डज। डज का मतलब शोक गीत, ठीक है, किसी के शोक में गाया जाने वाला गीत, उसको बोला जाता है डज। अगला है बैलेट। बैलेट, बैलेट का मतलब होता है लव सॉन्ग्स बेसिकली, ठीक है ना। प्रेम में लिखे हुए जो भी गीत हैं वो बैलेट कहलाते हैं। अगला है सॉनेट। सॉनेट बेसिकली ऐसी पोइम होती है जिसमें 14 लाइन्स होती है, 14 लाइन्स होती है, ठीक है। 14 लाइन्स की पोइम को क्या कहा जाता है? सॉनेट कहा जाता है। अगला है फोर्थ, जिसको बोला जाता है हिम। हिम का मतलब होता है वैदिक मंत्र, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो था शोक गीत, जिसको बोला जाता है डच, ठीक है ना। किसी की मृत्यु पर जो गाया जाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। 106 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट 107, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, ठीक है। जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाता है ताकि वो वहीं पर सेटल हो जाए, उसको बोला जाता है इमाइग्रेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है? देखो इसको बोलेंगे एमिग्रेंट। क्या बोलेंगे? एमिग्रेंट। और हमने एक क्या पढ़ा हुआ है? इन माइग्रेंट भी पढ़ा हुआ है, जो होता है आई एम एम, ठीक है। बाकी माइग्रेंट इसका यहाँ पे कॉपी कर दो, यानी इस ई की जगह क्या आ जाता है? इस ई की जगह आई डबल एम आ जाता है। देखो इस वाले में, पहले वाले में और दूसरे वाले में क्या अंतर है? ये जो पहला वाला होता है इन माइग्रेंट, ये ऐसा व्यक्ति है, ध्यान से समझना इस चीज को। इन माइग्रेंट, एमिग्रेंट जो पहला वाला है, हमारा ऑप्शन करेक्ट है, उसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ चुका है, ठीक है। अब वो जब दूसरे देश में पहुंच जाएगा तब उसको इन माइग्रेंट बोलेंगे, जब उसने देश को छोड़ा है तो उसको एमिग्रेंट बोलेंगे, जब देश को छोड़ के दूसरे देश में पहुंच जाएगा तो उसको इन माइग्रेंट बोलेंगे। समझ आया? ठीक। अगला है नेटिव। नेटिव का मतलब होता है आप वहां के मूल निवासी हो, डोमिसाइल आपका बनता है ना, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, तो वो क्या है? आप वहां के मूल निवासी हो। फॉरनर आपको पता है, सेकंड ऑप्शन, फॉरनर का मतलब तो विदेशी होता है कोई व्यक्ति, टूरिस्ट का मतलब पर्यटक होता है, तो यहाँ पर रहता है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब आप अपने देश को छोड़ के जा चुके हो, ठीक है। 107 का थर्ड ऑप्शन सही है। 108, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 सालों का समूह क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं डिकेड। क्या बोलते हैं? डिकेड, ठीक। सेंचुरी इसको बोलेंगे 100 सालों का समूह। फोर्टनाइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक्स, यानी 2 सप्ताह, यानी 14 दिन, 14 डेज। कैसे याद रखोगे? इस फोर्ट से याद रखना कि अच्छा इस फोर्ट से क्या बन जाएगा मेरा, 14 बन जाएगा, ठीक है। इसको फोर्टनाइट ऐसे याद करना। अगला होता है, इसको देखो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मिलेनियम। क्या बोलेंगे? मिलेनियम, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर। कितना? अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, तो उसको बोला जाता है मिलेनियम। तो यहाँ पे 10 सालों के लिए था तो डिकेड, 100 होता तो सेंचुरी, 14 दिन होता तो फोर्टनाइट, मिलेनियम 1000 साल। समझ आया? चार ऑप्शन समझ आ गए ना पक्का। 108 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 109, अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर कैप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर क्या रखे जाते हैं, जहाँ पर क्लोथ्स रखे जाते हैं, जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, वार्डरोब। क्या बोला जाता है? वार्डरोब, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है, यानी हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ऑप्शन समझते हैं, शाफ्ट। शाफ्ट बेसिकली कनेक्टिंग रॉड होता है, ठीक है, जो दो पार्ट, किसी मशीन के दो पार्ट्स को अरेंज करता है, यानी एक साथ कनेक्ट करता है ताकि उनमें पावर ट्रांसमिट की जा सके।
क्या बोला मैंने, शाफ्ट एक कनेक्टिंग बार या कनेक्टिंग रॉड होता है जो किसी भी मशीन के दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है ताकि उनमें पावर ट्रांसमिट की जा सके। ठीक, अगला है हैंगर। हैंगर पता है कौन सा हैंगर है? ये कपड़े लटकाने वाला हैंगर नहीं है, सॉरी माय फॉल्ट, ये ठीक है ना, हैंगर। ठीक, इसको बोलेंगे जहां पर क्या रखे जाते हैं, प्लेन्स रखे जाते हैं, ये वो वाला हैंगर है। ठीक है, दूसरा वाला हैंगर क्या होगा, एच ई एन जी ए आर। ठीक, माय फॉल्ट, देखो इसको कैसे समझेंगे, इसको बोलेंगे एच ए एन जी ए आर है ना, तो एच ए एन जी ए आर का मतलब होता है जहां पर प्लेन्स रखे जाते हैं। क्या बोला मैंने, प्लेन्स। ठीक है, और दूसरा भी आएगा, अगर ये एच ए एन जी ई आर हो जाता ना तो ये हो जाता कपड़े लटकाने वाला, तो यहाँ पर जो है वो प्लेन्स वाला है, सही है। ठीक, अच्छा, कॉफिन आपको पता है ना, कब्र जिसमें किसी मृत व्यक्ति को दफनाया या जलाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉफिन। तो यहाँ पर था कि जिस जगह पर कपड़े रखे जाते हैं उसको बोलते हैं वार्डरोब। क्या बोलेंगे, वार्डरोब। 109 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, 110, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत रिजर्व्ड है, रिजर्व्ड यानी वो ज्यादा आपसे बात करने का शौकीन ही नहीं है, उसको बात करना पसंद ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेटिसेंट। रेटिसेंट क्या बोलेंगे, रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब हिंदी में समझ दो अल्पभाषी, ठीक है ना, अल्पभाषी यानी वो कम बोलता है, समझ आया। ठीक, कॉन्फिडेंट का मतलब पता है, कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास, ठीक है ना, आत्मविश्वासी। अच्छा, एडेमेंट बहुत अच्छा वर्ड है, क्या बोला मैंने इसको, एडेमेंट बोला। एडेमेंट का मतलब पता है जिद्दी, या जिसको बोलते हैं अड़ियल, जो आपकी जो जो अपनी मन मर्जी करते हैं, ठीक है ना, उसको बोलेंगे एडेमेंट। अगला होता है एलिक्वेंट। एलिक्वेंट व्यक्ति वो होता है जो वाक पटुता उसकी स्किल होती है, यानी जो बहुत अच्छे से अपनी बातों को रख सकता है, उसको बोलेंगे वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति एलिक्वेंट है, समझ आया। तो यहाँ पर वह व्यक्ति था जो कम बोलता है उसके लिए क्या होगा, रेटिसेंट, और जो ज्यादा बोलता है उसके लिए क्या होगा, टॉकेटिव। क्या बोला मैंने, जो कम बोलता है उसके लिए तो ऑप्शन सही है रेटिसेंट, जो ज्यादा बोलता है उसके लिए क्या बोलेंगे, टॉकेटिव, या उसको बोलते हैं चैटर बॉक्स, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा बात करता है, ठीक है ना। इसीलिए आपको पेन पेपर साथ में लेके बोल रखने के लिए बोला जाता है, ताकि जो भी एडिशनल वर्ड्स आपको समझ आएंगे आप नोट डाउन कर सके साथ में। ठीक, 111, मॉरल्स दैट गवर्न्स वन्स बिहेवियर, ठीक है ना। देखो हर किसी की लाइफ को जीने के अपने तरीके होते हैं, ठीक है, वो कुछ अपने वैल्यूज को फॉलो करता है, जिसको बोला जाता है एथिक्स। जैसे बोलते हैं ना कि चोरी करना या डिसऑनेस्ट बिहेवियर रखना, वो मेरे एथिक्स नहीं मानते मेरे, ठीक है। एथिक्स का मतलब क्या समझते हो, उचित या अनुचित व्यवहार करने का जो आपका सेंस होता है वो आपका एथिक्स है, ठीक है। अगला क्या है, सेकेंड ऑप्शन है इंट्यूशन। इंट्यूशन पता है किसको बोलते हैं, कि आपका फीलिंग है या आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो बताती है कि क्या सही है, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हैं कि यार मेरे को इंट्यूशन आ रहा है कि ना ये गलत होने वाला है, मेरे को इंट्यूशन आ रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो आपको बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये हो सकता है, समझ आया। अगला है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आपको समझ आता है, जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान। क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान। फोर्थ है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब होता है बेसिकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी चीज को देखने का नजरिया, जिसको हिंदी में बोला जाता है दृष्टिकोण, ठीक है ना। अच्छा, तो 111 का था हमारा एथिक्स, यानी एक ऐसी कुछ ऐसे रूल्स, ठीक है ना, कुछ ऐसे मॉरल्स, यानी आपका शिष्टाचार या आपका व्यवहार को जो गवर्न करता है, जिस हिसाब से आप अपने क्या करते हो, अपनी आपकी आदतें बनी हुई है, उसको आपको बोलेंगे ये आपके एथिक्स हैं, ठीक। अच्छा, यानी 111 का फर्स्ट ऑप्शन सही था। 112, ऑफ ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। इन ओपन रिफ्यूजल यानी किसी चीज के लिए सीधे ही मना कर देना, उसको बोला जाता है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, डिफायंस। क्या बोला जाता है, डिफायंस, ठीक। अच्छा, अगला है, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कंप्लायंस। क्या बोला जाता है, कंप्लायंस का मतलब होता है अनुपालन करना, किसी चीज का पालन करना, और ओबीडियंस, ओबीडियंस का मतलब होता है क्या, आज्ञाकारी, ठीक है। अच्छा, एडेरेंस, एडेरेंस का मतलब भी निष्ठा या समर्पण होता है। क्या बोला मैंने, अडेरेंस का मतलब होता है निष्ठा या समर्पण। तो यहाँ पर होता है ओपन रिफ्यूजल टू ओबेड ऑर्डर्स, यानी किसी के ऑर्डर्स को मानने के लिए सीधे ही मना कर देना, ठीक है, सबके सामने पब्लिकली मना कर देना, इसको बोला जाता है डिफायंस। क्या बोला जाता है, डिफायंस। 112 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 113, अ सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेन पीपल और एनिमल्स, ठीक है ना। देखो बहुत अच्छा वर्ड है,
इसको बोला जाता है स्टैम्पीड। क्या बोला जाता है? स्टैम्पीड। जब बहुत ज्यादा लोग या एनिमल्स एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, एक ही दिशा में भागते हैं, या तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है या बहुत ज्यादा डरे हुए, उसको बोला जाता है स्टैम्पीड। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अभी न्यू ईयर में 1 या 2 तारीख के आसपास वैष्णो देवी कटरा में स्टैम्पीड अकर हुआ, ठीक है ना, ये घटना घटी है। जैसे हिंदी में बोलते हैं भगदड़ मच जाना या अफरा तफरी मच जाना, उसमें 12-13 लोगों की जान चली गई। तो वहां पे कौन सी सिचुएशन हो गई? स्टैम्पीड की सिचुएशन हो गई ना, बहुत ज्यादा लोग एक तरफ एक ही डायरेक्शन में चलने लगे, भागने लगे, उसको बोलेंगे स्टैम्पीड। समझ आया पक्का? अगला है रिक्लूस। रिक्लूस का मतलब पता है क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना पसंद करता है, ठीक है, जो ज्यादा किसी से कांटेक्ट रखना पसंद नहीं करता, उसको बोला जाता है रिक्लूस। और दूसरा, ये व्यक्ति धार्मिक भी हो सकता है। जैसे आपने कुछ साधु संत देखे होंगे जो घर बार छोड़ के अलग से रहते हैं, उनको वैसे ही पसंद आता है, ठीक है ना, तो वैसा भी हो सकता है, तो उनको बोलेंगे रिक्लूस। क्या बोलेंगे? रिक्लूस। ठीक, अगला है स्केपगोट। स्केपगोट पता है हिंदी में बहुत अच्छे से आप इसको समझ जाओगे। इसको बोलते हैं बलि का बकरा बनना, यानी गलती किसी और की थी, नुकसान आपको भरना पड़ा, तो उसको बोलेंगे स्केपगोट बन गया, ठीक है। अगला है लुनेसी। लुनेसी पता है क्या होता है? पागलपन, ठीक है ना। अच्छा, तो 113 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्टैम्पीड का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा लोग या एनिमल्स एक ही डायरेक्शन में भागते हैं, उसको बोला जाता है स्टैम्पीड की सिचुएशन। 113 का फर्स्ट ऑप्शन। 114, वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स। एक ऐसा व्यक्ति जो शिप्स को लोड और अनलोड करता है, इसको बोला जाता है हमारा सेकेंड ऑप्शन, जिसको बोला जाता है स्टीम डोर। क्या बोला जाता है? स्टीम डोर, ठीक है। अच्छा, अगला है, पहला ऑप्शन समझते हैं, इसको बोला जाता है स्पिनस्टर। क्या बोलते हैं? स्पिनस्टर। स्पिनस्टर बेसिकली एक ओल्डर वुमेन होती है, एक बहुत ज्यादा एज की महिला होती है, जिसकी जो अभी तक कुंवारी है, जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको बोला जाएगा स्पिनस्टर, ठीक है। बेसिकली महिला के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अगला है रस्टिक, थर्ड ऑप्शन। रस्टिक का मतलब पता है क्या होता है? जिसको बोलते हैं देहाती व्यक्ति या गाँव का व्यक्ति, ठीक है ना, बहुत ज्यादा ग्रामीण जिसकी लैंग्वेज है, बिहेवियर है, उसको बोला जाता है रस्टिक व्यक्ति है, ठीक है। कैप्टन, आपको पता है कैप्टन का मतलब कप्तान होता है। तो यहाँ पे था स्टिफ डो। क्या था? स्टिफ डो, इसका मतलब था कि एक ऐसा व्यक्ति जो शिप को लोड या अनलोड करने का काम करता है, ठीक। 115, 114 का सेकेंड ऑप्शन सही था। 115, वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचता है, ठीक है, उसको बोला जाता है ईगोइस्ट पर्सन, ठीक है ना, अहंकारी व्यक्ति, जिसे हिंदी में बोलेंगे केवल अपने ही बारे में सोचता है, वो कैसा व्यक्ति है? ईगोइस्ट पर्सन है, ठीक। अच्छा, अगला देखो, पहला ऑप्शन सुन दो, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, और ध्यान रखना ये पॉजिटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है, जिसका मतलब होता है आशावादी। इसका उल्टा होता है पैसिमिस्ट की, और ही नेगेटिव वर्ड है, जिसको बोलते हैं निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या बोला? आशावादी, और पैसिमिस्ट का मतलब बोला निराशावादी। अथीस्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं नास्तिक। क्या बोलेंगे? अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक। और अगर मैं अथीस्ट में से आगे से अ हटा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ये मेरा थीस्ट बन जाएगा, जिसका मतलब होता है आस्तिक, ठीक है। यानी यहाँ पर देखो, अब फिर से समझ लो कि अथीस्ट लिखा हुआ है तो ये है नास्तिक, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ थीस्ट आ जाएगा, अ हटा के आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आस्तिक, ठीक है। 115 का यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने ही इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, अपनी ही बातें करता है, जैसे हिंदी में बोलते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, यानी अपनी ही तारीफ करते रहना, अपनी बातें करते रहना, ठीक है, उसको बोलेंगे ईगोइस्ट पर्सन है, ठीक। 115 का सेकंड ऑप्शन सही है। आगे, ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स, ठीक है, जिसमें 8 साइड्स होते हैं, 8 भुजाएं होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? सेकंड ऑप्शन, जिसको बोलते हैं ऑक्टागन। क्या बोलते हैं? ऑक्टागन, ठीक है, जिसमें क्या होती है? 8 भुजाएं होती है, ठीक। हेक्सागन, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं। हेप्टागन, जिसमें 7 भुजाएं होती है। पेंटागन, जिसमें 5 भुजाएं होती है। समझ आ गया? हेक्सागन 6, ऑक्टागन 8, हेप्टागन 7, पेंटागन 5। सब समझ आ गए? तो 116 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑक्टागन यानी ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 8 साइड्स होती हैं, उसको बोला जाता है ऑक्टागन। 116 का सेकेंड ऑप्शन। 117, वन हु लव्स हिज कंट्री, जो अपने देश से बहुत प्रेम करता है, उसको बोलते हैं सेकेंड ऑप्शन। क्या बोलेंगे? पैट्रियट। क्या बोलेंगे? पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब देशभक्त या राष्ट्र प्रेमी, ठीक। अच्छा, पहला ऑप्शन कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर का मतलब होता है सहयोगी, जिसे कोलैप्स करते हैं ना यूट्यूब की वीडियोस के लिए। आप क्या कर रहे हो? किसी दूसरे का सहयोग कर रहे हो वीडियो बनाने में, ठीक।
तो क्या कर रहे हो आप, कोलैब कर रहे हो, कोलैबोरेशन कर रहे हो, तो आप क्या हो गए, कोलैबोरेटर हो गए। ठीक है, कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर पता है क्या होता है, कॉन्स्पिरेटर होता है षड्यंत्र करने वाला। ठीक है, और इसी से एक वर्ड बनता है, दैट इज नोन एज कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र करना। ठीक, अच्छा अगला है देखो, फोर्थ ऑप्शन ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही या धोखा देने वाले, उसको बोलते हैं ट्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो 117 का जो ऑप्शन था वह एक पैट्रियट बिल्कुल सही है, जो अपने देश से प्रेम करता है उसको बोलते हैं पैट्रियट। समझ आ गया। ठीक, 118, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेट्स, जो अपने डेट्स यानी अपने जो उधार उसने लिया उसको चुकता करने में समर्थ नहीं है। इनकैपेबल है ना, देखो अगर कैपेबल होता तो वो समर्थ होता, इनकैपेबल है यानी समर्थ नहीं है, उसको बोला जाएगा इंसॉल्वेंट। देखो नीरव मोदी का एग्जांपल याद रखना, वो कैसे हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, पीएनबी से जितना लोन लिया उसको चुकता कर ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो वो क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है दिवालिया। पॉलिटी में आता है ना कि व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए, तो व्यक्ति इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। समझ आया। पहला ऑप्शन है करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट। ठीक, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है किसी को ना बहुत ज्यादा खुश करना। ठीक है, उसको बोला जाता है एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक, अगला है ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट पता है क्या होता है, ऑब्सोलीट का मतलब होता है जो कोई चीज यूज में नहीं है, जैसे मारुति 800 ऑब्सोलीट हो गई है। ठीक, बहुत कम यूज में आती है, जैसे मैं बोलूंगी चेतक जो स्कूटर आता था पहले, अब वो ऑब्सोलीट हो गया, बहुत कम यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन था वो ये था कि दिवालिया व्यक्ति या इंसॉल्वेंट व्यक्ति वह है जो अपने उधार को चुकता नहीं कर पा रहा है, उधार नहीं चुका पा रहा है। ठीक है, नीरव मोदी याद रहेगा। 119, अ लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच, एक लंबी और एग्रेसिव स्पीच, इसको बोला जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसको बोला जाता है हरैंग। क्या बोलेंगे, हरैंग। ठीक, अगला है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब तो विचार विमर्श करना या किसी बातचीत करना बेसिकली। ठीक है, इसको देखो, अब अगला है थर्ड ऑप्शन, जिसको बोला जाता है प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब पता है क्या होता है, एक ऐसी स्पीच, ठीक है, या एक कोई ऐसा पीस ऑफ राइटिंग जो क्या करता है, किसी प्ले के बारे में या पोइम के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है ना, कि पोइम में हम क्या पढ़ने वाले हैं या किसी स्टोरी में क्या है, बेसिकली उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता है, उसको बोला जाता है प्रोलॉग। ठीक, अगला है फोर्थ ऑप्शन, इसको बोला जाता है एलोक्वेंस। क्या बोलेंगे, एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है वही गिफ्ट ऑफ द गैब। क्या बोला मैंने, गिफ्ट ऑफ द गैब इज इक्वल टू एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है वाक्पटुता, जो बहुत अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं, उसको बोलेंगे एलोक्वेंट पर्सनैलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे था हरैंग, यानी लॉन्ग और एग्रेसिव स्पीच देना, उसको बोला जाता है हरैंग। ठीक, यानी 119 का पहला ऑप्शन सही है। 120, द स्कूल, द स्कॉलर कॉलेज इन विच वन हैज बीन एडुकेटेड, एक ऐसा कॉलेज, जैसे आप भी किसी कॉलेज से पढ़े हो ना, ये कॉलेज से अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो वो कॉलेज आपके लिए क्या है, वो कॉलेज आपके लिए है अल्मा माटर। क्या है, अल्मा माटर। ठीक, अच्छा, एलुमिनाई, एलुमिनाई बेसिकली आप भूतपूर्व छात्र हो उस कॉलेज के, मेंटोर एक ऐसा व्यक्ति जो आपको हेल्प करता है, एडवाइस देता है, गाइड करता है, ठीक है, लाइफ को लेके या करियर को लेके, उसको बोला जाएगा मेंटोर। अगला है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट यानी अगर आपने जैसे बीए कर लिया, बीटेक कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, ठीक है ना, ये ग्रेजुएशन के जो भी कोर्सेज है वो कर लिए, तो आप ग्रेजुएट हो गए बेसिकली। ठीक है ना, अच्छा, तो 120 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्मा मैटर का मतलब होता है एक ऐसा कॉलेज या स्कूल जहाँ से आप पढ़ चुके हो। ठीक, 120 का पहला। 121, इंक्लूज्ड एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर कैप्ट एंड रिपेयर, एक ऐसी जगह, बंद जगह जहाँ पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है और उनको रिपेयर किया जाता है, इसको बोला जाता है हैंगर। देखो ध्यान से समझना, ये हैंगर का मतलब होता है जहाँ पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है और रिपेयर किया जाता है, और दूसरा हैंगर जो होता है ना, ये वाला GE वाला, इसका मतलब होता है जिस पर कपड़े टांगे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला होता है हॉज। ठीक है, हॉज का मतलब होता है एक ऐसी, मतलब रबड़ या प्लास्टिक की पाइप जिसके थ्रू वाटर डालते हो, किसी पर्टिकुलर एरिया में वाटर को सप्लाई करते हो, जिसको बोला जाता है हॉज। क्या, एक ऐसी रबड़ या प्लास्टिक की पाइप जिससे हम पानी को ट्रांसफर करते हैं, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, पहुंचाते हैं। अगला है देखो फोर्थ है हारबिंगर। हारबिंगर का मतलब पता है क्या होता है, एक ऐसा साइन जो आपको बताता है कि कुछ बुरा होने वाला है स्पेशली। ठीक है, क्या होने वाला है, बुरा होने वाला है। अगर आपने एक नोवेल है, दैट इज एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट पॉइलो कोइलो की है, उसको आपने पढ़ा है, तो उसके ना ओमेंस मिलते रहते हैं, ओ एम ई एन एस। क्या बोला मैंने, ओ एम ई एन एस,
उसका मतलब भी हार्बिंगर ही होता है बेसिकली। ओमेंस का मतलब भी आपको साइंस मिलते रहते हैं कि कुछ होने वाला है लाइफ में जो भी, ठीक है। तो हार्बिंगर का मतलब तो बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ बुरा ही होने वाला है, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, इसको बोलेंगे हार्बिंगर। समझ आया? 121 का यहाँ पर था हैंगर, और स्पेलिंग याद रख लेना HANGAR है, ठीक है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है और उनका रिपेयरिंग की जाती है। 121 का फर्स्ट ऑप्शन सही था। 122 अ शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल यूजुअली विद एनिमल्स एज कैरेक्टर, एक ऐसी स्टोरी ना जिसमें मॉरल होती है और एनिमल्स को कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है, जैसे एनिमल्स बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंसानों की तरह बात कर रहे हैं। बेसिकली छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी जाती हैं जिसको बोला जाता है फेबल। क्या बोला जाता है? फेबल, बेसिकली इमेजिन स्टोरी है। देखो आप जानवर हमारी तरह बात तो नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों के लिए ऐसी स्टोरी बनाई जाती है, ठीक है, उसको बोला जाता है फेबल। और एनिमल्स ही उसमें मेन कैरेक्टर में होता है, उसमें एक मॉरल भी होता है, एक इंपॉर्टेंट टर्म भी है। देखो क्या होता है, एक मॉरल भी होता है, एक नैतिक शिक्षा भी होती है कि इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ठीक। अगला ये देखो क्या सेकंड ऑप्शन जिसको बोला जाता है ऑड। ऑड होता है कि एक ऐसी पोइम, ध्यान से समझना, एक ऐसी पोइम जो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए या किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए लिखा जाता है उसको बोला जाता है ऑड, ठीक। अगर ये ओ डबल डी हो जाता तो इसका मतलब होता है विचित्र, हो जाता ना, कि अगर ओ डबल डी हो जाता है तो उसका मतलब ऑड नंबर्स होते हैं, और अगर ऑड हो जाता है तो विचित्र हो जाता है या अलग हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे ओ डी ई है ऑड, तो इसका मतलब है एक ऐसी कविता जो किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए या स्पेशल ओकेजन के लिए लिखी जाती है, ठीक। थर्ड ऑप्शन है हिम। हिम का मतलब वही हम समझ चुके हैं, वैदिक मंत्र, ठीक है। अकना बहुत अच्छा वर्ड है, शायद आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं पैरेडी। पैरेडी का मतलब क्या होता है? किसी स्पीच या म्यूजिक की नकल करना, और बेसिकली ह्यूमरस नकल करना, ठीक है, हास्यजनक नकल करना किसी स्पीच की या म्यूजिक की, उसको बोला जाता है पैरोडी। जैसे आपने जस्टिन बीबर का बेबी गाना सुना है ना, तो उसके बहुत सारे पैरोडी बन गए, यानी उसको हास्यजनक तरीके से प्रस्तुत किया जा चुका है, ठीक है। और वैसे भी कोई फेमस अगर कोई चीज़ होती है ना, कोई फेमस सॉन्ग होता है, तो उसको पैरोडी बनाई जाती है, ठीक है ना। जैसे रसोड़े में कौन था, ठीक है ना, तो वो क्या है, बेसिकली सिंपल लाइन ही तो थी, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, पैरोडी के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया, ठीक है ना। टाटा कुत्ता डॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, तो ये क्या है, बेसिकली पैरोडी ही तो है। किसी एक सिंपल स्पीच को, सिंपल म्यूजिक को इन्होंने क्या कर दिया, एक हास्यजनक तरीके से प्रस्तुत कर दिया, तो उसको बोलेंगे पैरोडी। याद रहेगा ना आज से, पक्का, ठीक। तो 122 का यहाँ पर पहला ऑप्शन सही था जिसको बोला जाता है फेबल। फेबल का मतलब क्या होता है? देखो फेबल का मतलब होता है एक ऐसी स्टोरी जिसमें मॉरल भी हो और इसमें एनिमल्स क्या होते हैं, असली कैरेक्टर में होते हैं। समझ आया? पक्का आगे बढ़े, ठीक। 122 का फर्स्ट ऑप्शन। 23 अ ग्रुप ऑफ शिप्स, की शिप्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? फ्लीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लीट, ठीक। कॉलोनी बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल जो साथ में रहते हैं। अगले को बोला जाता है स्वाम। स्वाम का मतलब होता है लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, और बेसिकली ना मतलब कीड़े मकोड़ों का ग्रुप कहलाता है, और बेसिकली ये मधुमक्खियों के लिए यूज होता है। किन के लिए? मधुमक्खियों के लिए, बीज के लिए, ठीक है ना, बीज के लिए यूज होता है, BEES, ठीक है। और बीज को जहाँ पे रखा जाता है उसको बोला जाता है क्या? अपेरी, APIARY। जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसको बोला जाता है अवेरी, AVIARY, ठीक। अगला स्क्वाड। स्क्वाड का मतलब समझते हो? ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ काम करता है, टीम की तरह, ठीक है, जैसे उसको बोला जाता है स्क्वाड, ठीक। 123 का थर्ड ऑप्शन सही है, फ्लीट यानी ग्रुप ऑफ शिप्स। 124 पर्टेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, की एक ऐसी कोई चीज जो बर्थ से ही हमारे साथ है, जन्मजात कोई चीज है, उसको बोला जाएगा पहला ऑप्शन कंजेनिटल। क्या बोलेंगे इसको? कंजेनिटल। कंजेनिटल मतलब कोई, बेसिकली ये बीमारी के लिए होता है, कोई ऐसी बीमारी जो आपको बचपन से है ना, उसको बोलेंगे कंजेनिटल, ठीक है। अच्छा अगला है क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए आपके साथ चलते रहेगा, उसको बोला जाएगा क्रोनिक इलनेस। हैबिचुअल, हैबिचुअल यानी आदत से कोई चीज आ रही है आपको, ठीक है ना, आदत की वजह से कोई प्रॉब्लम। अगला है अनोमली। अनोमली का मतलब होता है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल। क्या बोला मैंने? अनोमली का मतलब होता है समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यानी कोई ऐसी चीज जो नॉर्मल से बिल्कुल हटके है, उसको बोलेंगे अनोमली है, ठीक है। अच्छा और 124 का यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है जिसको बोला जाता है कंजेनिटल, जिसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको जन्मजात है, ठीक है, बेसिकली बीमारियों के लिए यूज होता है, ये भी ध्यान रखना। 125 टू इंक्रीज द स्पीड, स्पीड को बढ़ाना, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट करना, बोलते हैं ना एक्सेलरेटर देना, ठीक है, गाड़ी चलाते टाइम बेसिकली फोर व्हीलर, ठीक है ना, तो एक्सेलरेट करना यानी स्पीड को बढ़ाना, समझ आया, ठीक है। अगला है
एसिमिलेट का मतलब होता है किसी भी कंट्री का बेसिकली हिस्सा बनना, या एसिमिलेट को आप किससे याद रख रहे हो, तो ए असेंबल भी बनता है, ठीक है ना। तो असेंबल का मतलब होता है शामिल हो जाना किसी चीज में, या कोई नई चीज सीखना या समझना, उसको भी एसिमिलेट करना बोलते हैं। दो चीज बताई मैंने, ध्यान रखना, मैंने बोला किसी कंट्री का हिस्सा बनना, या दूसरी चीज है लर्न करना या अंडरस्टैंड करना कुछ भी, ठीक है, उसको बोले हैं एसिमिलेट। अगला है एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का मतलब होता है, ठीक है, एक्सिलरेट का मतलब होता है टू मेक समबडी फील वेरी हैप्पी और एक्साइटेड, कि किसी को ना बहुत ज्यादा खुश कर देना, ठीक है, और हैप्पी कर देना, उसको बोल रहे हैं एक्सिलरेट कर देना, ठीक। एक्टिवेट तो आप समझते हो, जैसे सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाना, क्या चालू हो जाना, जारी हो जाना, ठीक। तो 125 का थर्ड ऑप्शन सही है, एक्सिलरेट करना यानी स्पीड को बढ़ा देना, ठीक है ना। एक्टिवेट करने का मतलब दोबारा समझ लो, वर्किंग, स्टार्ट वर्किंग ना, कि काम करना शुरू कर देना, जारी हो जाना या चालू हो जाना, ठीक है। अच्छा, तो 125 हमने ये पढ़ लिया, ठीक। आगे बढ़ने से पहले रिविजन करते हुए चलते हैं। 125, एक्सिलरेट करना, स्पीड को बढ़ाना, थर्ड ऑप्शन सही है। कंजेनेटल, जन्मजात कोई प्रॉब्लम आपको है, 124 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। 123, ग्रुप ऑफ शिप्स, फ्लीट बोला जाता है, थर्ड ऑप्शन सही है। 122, फेबल, कोई ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर में होता है और उसमें एक मॉरल भी होता है, एक नैतिक शिक्षा भी होती है, उसको बोला जाता है फेबल। 122 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। 121, हैंगर, जहाँ पर एयरक्राफ्ट को रखा जाता है और रिपेयर किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 120, एल्मा मैटर, जिस कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा हुआ है, एल्मा मैटर कहलाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 119, हैरैंग, कोई लॉन्ग और एग्रेसिव स्पीच देना, ठीक है, हैरैंग बोला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 118, इनकैपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, जो अपने उधार चुकता नहीं कर सकता है, उसको बोलता है इनसॉल्वेंट, थर्ड ऑप्शन सही है, दिवालिया। 117, पैट्रियट, जो अपने देश से प्रेम करता है, देशभक्त है या राष्ट्र प्रेमी है, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। 116, ज्योमेट्रिकल फिगर, जिसमें 8 साइड्स होती हैं, ऑक्टागन। 115, वन हु इज प्रीऑक्यूपाइड, जो अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है हमेशा, इगोइस्ट इंसान है, सेकेंड ऑप्शन सही है। 114, स्टीव डो, जो शिप्स में अनलोडिंग और अनलोडिंग का काम करता है, स्टीव डो कहलाता है। 13, स्टैम्पेड, बहुत सारे लोग या बहुत सारे एनिमल्स एक ही डायरेक्शन में भागते हैं जब डर के, उसे बोला जाता है स्टैम्पेड। वैष्णो देवी में अभी एक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है ना, उससे याद करना। 112, सीधे ही किसी को पब्लिकली मना कर देना किसी चीज के लिए, डिफायंस, फोर्थ ऑप्शन सही है। 111, एथिक्स, फर्स्ट ऑप्शन, मॉरल्स, जिसके थ्रू आपका बिहेवियर काम करता है। 110, रिजर्व होना, ज़्यादा बात नहीं करना, रेटिसेंट, थर्ड ऑप्शन सही है। 109, जहाँ पर क्लोथ्स को रखा जाता है, कपड़ों को रखा जाता है, वार्डरोब। 108, 10 सालों का समूह, डिकेड। 107, एमिग्रेंट, किसी देश को छोड़ के जाना, एमिग्रेंट कहलाता है, और इन माइग्रेंट कहलाता है किसी देश में सेटल हो जाना, ध्यान रखना दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 106, डज, एक ऐसा सॉन्ग जो शो के गीत है, बेसिकली किसी के मृत्यु पे गाया जाता है। 105, कोरियोग्राफर, रेमो डिसूजा या सरोज खान, किसी का भी नाम याद रख लो, ठीक है ना, जो डांस के स्टेप्स और मूव्स को सिखाता है। 104, पैनेसिया, रामबाण, किसी भी प्रॉब्लम का या बीमारी का एक ही सलूशन, रामबाण। 103, इवेंट्स को उनके जिस क्रम में वो घटित हुए हैं वैसे अरेंज करना, क्रोनोलॉजी। 102, एकोस्टिक्स, बेसिकली फिजिक्स के ऐसी ब्रांच जो साउंड से रिलेटेड हो। 101, साउंड ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस के साउंड को नेह कहा जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आज हमने 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए, आई होप कि आपको पसंद आए, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियोज आगे मिलती रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।